मध्य प्रदेश के छतरपुर में बुलडोजर एक्शन। छतरपुर हिंसा के आरोपी पर सख्त कार्रवाई। मोहन सरकार पर फायर हुए चंद्रशेखर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में थाने में उपद्रव करने वालों पर सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। मोहन सरकार ने आरोपी की 10 करोड़ की हवेली को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। इसके साथ ही गृहस्थी का सामान, 3 कारें, 1 बुलेट और स्कूटी को भी कुचल डाला। दरअसल सिटी कोतवाली में बुधवार को ज्ञापन देने के बहाने अन्य समुदाय के लोग पहुंचे थे। वहां जाकर पूरी प्लानिंग के साथ पत्थरबाजी की गई। इस घटना में थाना प्रभारी अरविंद कुजूर सहित 2 पुलिस आरक्षक घायल हो गए थे। पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए 150 लोगों के खिलाफ बलवा एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इनमें से 50 नामजद शामिल थे। छतरपुर पुलिस प्रशासन ने हिंसा के आरोपी जिस हाजी शहजाद अली की कोठी को गिराया, वो कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष भी है। शहजाद का भाई आजाद अली भी कांग्रेस पार्षद है और जिस आलिशान कोठी पर बुलडोजर चला, उसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये कोठी 11,000 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा एरिया में मस्तान शहा बाबा कॉलोनी में बनाई गई थी। कोठी के अंदर रखा गृहस्थी का सामान और 2 सफारी कारों के साथ एक अन्य कार और 1 बुलेट और 2 स्कूटी को भी कुचल दिया गया। तो वहीं अब इस बुलडोजर एक्शन से कहीं ना कहीं विपक्ष भड़का हुआ है। शहजाद अली के घर पर बुलडोजर एक्शन पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने शहजाद के घर को नहीं, उस शपथ को भी ध्वस्त कर दिया जो उन्होंने सीएम पदभार ग्रहण करते समय ली थी। चंद्रशेखर ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग भी की है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने एक्स पर लिखा, मैं मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मुख्यमंत्री जी के इशारे पर हाजी शहजाद के घर को बुलडोजर ध्वस्त कर उस शपथ को भी ध्वस्त कर दिया गया जो उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करते समय ली थी, क्योंकि जिस तरह घर की एक एक ईंट को नष्ट किया गया, उसी तरह शपथ का एक एक शब्द भी नष्ट हुआ है। ऐसा लगता है सरकार ही न्यायपालिका हो गई है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूं कि स्वतः संज्ञान लें, विधि से हटकर होने वाली बुलडोजर की कार्यवाहियों पर रोक लगाएं। दरअसल महाराष्ट्र के रामगिरी महाराज ने पिछले दिनों विवादित टिप्पणी की थी, इसे लेकर हाजी शहजाद केस दर्ज कराने पहुंचे थे। भारत बंद की वजह से केस दर्ज करने में देरी हुई तो भीड़ आक्रामक हो गई और थाने पर हमला बोल दिया गया। पहले छतरपुर जिले के कोतवाली थाने को घेर कर प्रदर्शन शुरू किया गया, फिर अचानक भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस बवाल में कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। वहीं कोतवाली थाना के जो प्रभारी हैं उनको भी गंभीर चोटें आईं। मामले में पुलिस ने हाजी शहजाद अली सहित 50 लोगों पर नामजद और 200 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किए हैं। घटना के बाद से हाजी अली फरार चल रहे हैं, लेकिन बुलडोजर एक्शन हुआ है और अब विपक्ष बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।